हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिचा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कैसी होम रेमेडी, जिस रेमेडी को आप फॉलो करके अपने फेस के पिंपल्स और पिंपल्स के जो ठीक होने के पर जो दाग धब्बे रह जाते हैं उसको भी ठीक कर सकते हो। पिंपल्स मतलब ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो छोटे छोटे से दाग छोड़ जाता है वो भी ठीक कर देगा आपके फेस का। पिंपल्स को रिमूव करने के साथ साथ दाग भी ठीक करेगा। और इसमें मैंने कोई भी ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं ली है कि आपके फेस में प्रॉब्लम हो लगाने में। और ये मेथड कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए सब्सक्राइब, जैसे आप मेरे हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने विक्स ली है। विक्स आप ज़्यादातर सर्दी जुखाम में यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे भी यूज़ करते हैं, लगा लेते हैं, आप भी यूज़ करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में और यूज़ करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसलीन है, नॉर्मल आपको मार्केट में मेडिकल स्टोर में मिल सकता है, कहीं से भी आप ले सकते हो कोई भी मेडिकल स्टोर से। तो देख लेते हैं आपको ये कैसे यूज़ करना है। पहले आपको विक्स को देखिए, विक्स को थोड़ा सा अपने हैंड में फिंगर में थोड़ा सा ले लेना है, एज अ वैसलीन तौर पे ले लेना है। और जहाँ भी आपके पिंपल्स हो उसी जगह, आपके इसी पिंपल्स मेरे फेस में है नहीं फेसबुल, तो आपको जहाँ पिंपल्स हो वैसलीन ऐसे लेने के बाद उस जगह आपको रख लेना है। यहाँ पिंपल्स हो इस जगह आपको रख लेना है, और जहाँ जहाँ पिंपल्स हो उस जगह आपको ऐसे रख करके और छोड़ देना है, ठीक है। पूरे फेस में जहाँ जहाँ पिंपल्स हो उस जगह थोड़ा सा ऐसे आपको हल्का सा ऐसे ले लेकर हल्का सा मसाज करके और छोड़ देना है, जैसे आपके पिंपल्स में वैसलीन अच्छी तरह पहुँच जाए। और इसको यूज़ आपको नाइट में ही करना है, डे में आप लगा सकते हैं, पर इसको लगा के आपको धूप में नहीं निकलना है। इसको डे में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं, पर सन में नहीं निकलना है आपको। नाइट में लगाएंगे ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। ओवरनाइट आप इसको रख करके फेस में, और मॉर्निंग में वॉश, जैसे आप फेस वॉश करते हो या ठंडे पानी से वॉश करते हो वैसे आप कर सकते हो। और 2 डेज में आपके पिंपल्स जरूरी ठीक हो जाएंगे। और ये बहुत 100% नेचुरल रेमेडी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज़ करने में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसे मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप देख सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।